फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कि किस प्रकार से जो हमारी इनकम होती है वो सर्कुलेट करती है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। इट मीन्स जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब है कि जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम का उत्पन्न होना, एक जनरेट होना। ठीक है ना, तो आय हमारी उसका जनरेट होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो इनकम है हमारी वो किस प्रकार से जनरेट करती है, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस से, यहाँ से शुरू होती है हमारी इनकम जनरेट होना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो इनकम जनरेट हो जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस से, देन इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे जो प्रोडक्शन होते हैं, वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, उनमें इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है ना, उत्पादन के कारक में। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और लास्ट में क्या होता है, ये सर्कुलेशन करता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, कंपनसेशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक बार ढंग से इसको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, इसका मतलब क्या है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि सबसे पहले इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस से, देन उसको जो भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो जो लोग काम करते हैं वही तो प्रोडक्शन करते हैं। अब जो प्रोडक्शन करता है उसको कुछ ना कुछ तो देन रिटर्न में देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फैक्टर सर्विसेज करता है उसको फैक्टर पेमेंट करना पड़ता है। तो जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन सबको हमको उनको फैक्टर ऑफ पेमेंट करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं इनकम की। जब पैसा हम उन एम्प्लॉयज़ को, लेबर को, कैपिटल, इन सबको दे देते हैं, जब हम फैक्टर प्रोडक्शन को पेमेंट कर देते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ को पैसा मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं, वो पैसा को अपने को खर्च करते हैं। अब पैसे को खर्च कहाँ करते हैं वो लोग, वो करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उनकी भी बेसिक एमिटिटीज़ होती हैं, नीड होती हैं उनकी, कि वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कंजप्शन करते हैं। ठीक है, तो देन जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं तो वो अपने पैसे को एक्सपेंडिचर करते हैं, और जब पैसा खर्चा हो जाता है तो वो पैसा फिर से किसके पास चला जाता है, फर्म के पास, क्योंकि फर्म से ही तो जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब फर्म से निकला, हो गया, अब जो पैसा था वो खर्च होकर के फिर उसी के पास आ गया। तो यही था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए हम समझते हैं इसको एक फिगर के द्वारा, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जो हमारे जो मेन रीजन है जहाँ से हमारे जो इनकम है हमारी वो जनरेट होती है, कैसे खर्च करते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर फेसेस दे रखे हैं हमारे इनकम के। ठीक है ना, तो देयर आर थ्री डिफरेंट फेसेस। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन प्रकार के डिफरेंट फेसेस बताए गए हैं। ठीक है, पहला हमारा प्रोडक्शन फेस, कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर जाकर के जो एम्प्लॉयज हैं हमारे, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पर लगते हैं। विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, याद रखना। ठीक है ना, तो जो फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन फेस है यहाँ पर इनकम जनरेट होती है, इसलिए इसको जनरेशन ऑफ इनकम फेस भी बोला जाता है। देन जब पैसा जनरेट होता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती हैं, देन पैसे को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको ये भी फेस बोला जाता है और इनकम फेस भी बोला जाता है। देन जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो कहाँ करता है, उनको एक्सपेंडिचर करता है, मीन्स डिस्पोजल ऑफ इनकम, यहाँ पे डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। ठीक है, अब वो पैसे को खर्च करता है किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। अब जब पैसा खर्च होता है तो वो पैसा फिर से कहाँ चला जाता है, प्रोडक्शन फेस पे। ठीक है, देन फिर से यहाँ से जनरेट होता है। इस प्रकार से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हमारी चलती है। तो आइए हम समझते हैं ये प्रोडक्शन फेस क्या है, इनकम फेस क्या है एंड एक्सपेंडिचर फेस क्या है। तो समझते हैं जनरेशन फेस क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम। इन दिस फेस फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। यहाँ है कि जनरेशन फेस होता है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, फैक्टर सर्विसेज की मदद से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, उनके मदद से जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं जनरेशन फेस।
देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व फ्लो ऑफ इनकम कॉल्ड फैक्टर इनकम। इसमें हमारा जो इनकम है वो फ्लो होता है, उसको फैक्टर इनकम बोला जाता है। कौन कौन से हमारे फैक्टर इनकम? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टू ए हाउस होल्ड। जो फर्म के द्वारा हाउस होल्ड को ये पेमेंट किया जाता है, ठीक है। जो रेंट है हमारा वो लैंड से मिलता है, वेजेस लेबर को दिया जाता है, इंटरेस्ट कैपिटल से है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। देन लास्ट फेज आता है हमारा डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, डिस्पोजल ऑफ इनकम भी बोला जाता है। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस फेज में इनकम रिसीव होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है। इन स्पेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं फर्म के द्वारा उसको स्पेंड किया जाता है किसके द्वारा? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट किया है हमने, क्या फैक्टर इनकम, उनके द्वारा स्पेंड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ इनकम, ठीक है। डिस्पोजल का मतलब वही है डिस्पोजिशन, या फिर उसका इनकम का टूट जाना। अब इनकम टूट कर कहाँ जाता है? सीधे फर्म के पास चला जाता है, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं। लास्ट में एक नोट दे रखा है, इनकम जनरेट इन द प्रोडक्शन यूनिट एंड बैक टू प्रोडक्शन यूनिट देन सर्कुलर फ्लो कंप्लीट। जब इनकम जनरेट होता है प्रोडक्शन यूनिट से और जब प्रोडक्शन यूनिट में ही वो पैसा बैक हो जाता है, आ जाता है, उसी को सर्कुलर फ्लो बोला जाता है। क्योंकि सर्कुलर फ्लो कंप्लीट कब माना जाएगा? जब जहाँ से पैसा क्रिएट हुआ है वहीं पैसा जा करके रुक जाता है, डेट्स कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। थैंक यू।